राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने वाले मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने तो पूरी यात्रा को ही एक्सपोज कर दिया, लेकिन कमलनाथ को जवाब देना होगा कि उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत FIR दर्ज क्यों करवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने और कांग्रेस के लाइव ट्वीट किए जाने की बात स्वीकारने के बाद वे भाजपा के निशाने पर हैं। वह इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और कमलनाथ ने पूरी यात्रा को एक्सपोज ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो वहां पर लाइव चल रहा था, जिसके कारण वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अपलोड हो गया और हमने उसे डिलीट कर दिया। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और आपने स्वीकार किया, तो फिर आपने हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत FIR क्यों की। वीडी शर्मा ने कहा कि आपने जो मध्य प्रदेश की धरती पर कलंकित किया है, उसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। आपको, राहुल गांधी को और भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में नेतृत्व करने वाले दिग्विजय सिंह को, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से माफी मांगनी होगी। शर्मा ने कहा, आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की धरती को कलंकित किया है। आज तो कमलनाथ जी ने पूरी यात्रा को एक्सपोज ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो वहां पर लाइव चल रहा था तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो अपलोड हो गया और हमने डिलीट कर दिया। अरे कमलनाथ जी, आपको अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे आपने स्वीकार किया, आपने हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत FIR की और इस मध्य प्रदेश की धरती पर आपने जो कलंकित किया, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा और मध्य प्रदेश से 8.5 करोड़ जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जो इस यात्रा का संयोजन कर रहे थे, आपने पूरी इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की धरती को कलंकित किया है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।